हरियाणा के गोहाना स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और वहां मंच से जनता को संबोधित किया। और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हरियाणा सरकार महर्षि वाल्मीकि जयंती मना रही है। आज की पीढ़ी को संतों के उपदेश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि को हमने त्रिकालदर्शी का दर्जा दिया। महापुरुष किसी जात पात के नहीं होते, कुछ लोगों ने उनका दायरा भी तय कर दिया है, हमें इसे ठीक करना होगा। जैसे हमने कहा कि आज एक विशेष दिन है, विशेष दिन यानी जो हमारी एक परंपरा चल रही है हरियाणा की कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, संतों की ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समाज उतनी ही आवश्यकता है जितना शायद उस काल में रही होगी। क्योंकि कोई भी उपदेश है, किसी भी महापुरुष का दिया गया वचन है, उनकी शिक्षा है, वो सार्वभौमिक होती है, सब स्थानों के लिए होती है, सार्वकालिक होती है, सब कालों के लिए होती है। महर्षि वाल्मीकि जी को तो त्रिकालदर्शी कहा गया है, अर्थात द्वापर में क्या होगा, सतयुग में क्या हुआ होगा, त्रेता में क्या होगा, तो त्रिकालदर्शी तीन काल की दर्शन करने वाले महर्षि वाल्मीकि, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है, आज इस अवसर पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा के भाव से जो उन्होंने हमको सिखाया उसका हम विचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, ये महापुरुष कोई जाति पाति के नहीं होते हैं। अब यह अलग बात है कि कुछ समाज के लोगों ने संतों का भी दायरा वो सीमित कर दिया है कि ये संत इस समाज का है, ये संत इस समाज का है, ये उचित नहीं है। कालांतर से चीजें चली आ रही हैं, हमको अपने समय में इन चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए सब संतों का उपदेश ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिनको हम मानते हैं उनका महत्वपूर्ण है, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे बंदावीर बैरागी हो, कोई संत हो, यानी हम जब उनकी शिक्षा को पाते हैं तो लगता है कि किसी एक के लिए नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, अब किसी एक समाज के वर्ग की खैर मांगी ऐसा नहीं है, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं है, सबको समान रूप से देखना और सबके लिए ज्ञान की गंगा इसका प्रवाह करना। हम भारतवर्ष की संतान हैं और भारतवर्ष का हमारा एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, भारत मां की संतति हम, भारत देश हमारा, यानी भारत देश है, हमारी एक संस्कृति है। हमारा पहनावा अलग अलग हो सकता है, हो सकता है खान पान अलग अलग हो सकता है, भाषा बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष प्राचीन अतीत से जब से हम अध्ययन करते हैं तब से हमारी संस्कृति एक है। इस संस्कृति के माध्यम से हमने कभी इतना ऊंचा स्थान पाया कि दुनिया ने हमको विश्व गुरु माना। भारत के संत महापुरुष ऋषि मुनि सात समुद्र पार उन देशों में भी जाकर के और उनको शांति का पाठ पढ़ाते थे। यह अलग बात है कि एक समय ऐसा आया कि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं सो गया, सोने के बाद हमारे ऊपर ही उन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू कर दिए, हमको गुलाम बना दिया। हजार से ऊपर साल हम गुलाम रहे, लेकिन उस गुलामी के काल में भी बहुत से ऐसे वीर पुरुष, समाज के ऐसे अग्रणी लोग जिन्होंने अपने अतीत को
उज्जवल अतीत को प्राप्त करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जी जान को आहुति डाल दी, शहीद हो गए, बलिदान हो गए, जिसके कारण से हम फिर से आजाद हुए हैं। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमें आज उच्च शिक्षा की जरूरत है, उन संस्कारों की जरूरत है, उन उपदेशों की जरूरत है जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमको दिए थे। चाहे वो रामायण के माध्यम से, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को सजाया, भगवान राम में कैसे कैसे गुण थे उन्होंने हमको बताया, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, ये कैसा होता है, उन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र को हमारे सामने रखा और हम उनको लेकर के चले तो इस प्रकार का चित्रण उन्होंने भगवान राम का किया। तो मित्रों, भाई बहनों, आज तो मैं इस अवसर के ऊपर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से प्रभावित होकर के, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भगवान राम वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं, तो भगवान राम स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं, तो इसमें से हमको पता लगता है कि रामचंद्र जी भी महर्षि वाल्मीकि जी को कितना बड़ा स्थान देते थे, और फिर उन्हीं के जीवन को लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम उठाई। तो वो जो भगवान है, उन भगवान के जीवनी पर हम बोले कुछ भी बोले, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि शब्द ऐसे नहीं है कि उनके पूरे चित्रण को आपके सामने रखा जा सके। आज किसी के पास ऐसे शब्द नहीं है, वो उन सब चीजों से ऊपर हैं, वो एक अलौकिक शक्ति है। उनके स्मरण करते रहने से, उनके रास्ते पर चलते रहने से हमारा जीवन शुद्ध होगा और हम जो है अपने जीवन की खुशी, सुखी और खुशी, ये दोनों अपने साथ ला करके आगे बढ़ सकते हैं। अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।